हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी चारों। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है जुलाई के मंथ में। सो ये रीडिंग है उस पर्सन के बारे में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ये वीडियो देखते वक्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पर्सन एग्जैक्टली आपके बारे में क्या फील कर रहा है, वो ऐसा क्यों फील कर रहा है, किस तरीके से वो आपको देखते हैं ओवरऑल, एंड आखिर क्यों वो अपनी फीलिंग्स आपसे अभी तक बता नहीं पाए। जितनी डिटेल्स होती हो सकती है वो सब देखने की कोशिश करेंगे। सो मैसेजेस फॉर पाइसेस, ये पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहा है। एक्सक्यूज मी, थ्री ऑफ सेप्टर्स, सेवन ऑफ सेप्टर्स, फोर ऑफ स्कल्स, टू ऑफ ग्राइल्स एंड द एम्परर। ओके, सो टू ऑफ ग्राइल्स के साथ ये पर्सन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहा है। ओके पाइसेस, इनके ड्रीम्स में तो आप इनसे दूर होते ही नहीं, इनके क्लोज हैं, इनके इतने पास हैं जितना कि ये चाहते हैं आपसे। वो बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। ये पर्सन चाहता है कि आप अपने प्यार का इजहार करें, आप उनसे रोमांटिक बातें करें ठीक उनकी आंखों में देखकर। तो ये पर्सन बहुत सारी रोमांटिक चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन रेडी नहीं है अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए। ओके, बिकॉज अगर आप इस एम्परर को देखें तो एम्परर बहुत स्टबर्न हो सकता है। एम्परर किसी चीज़ को लेके जिद पे अड़ा हुआ है, लाइक मैं किसी को अप्रोच नहीं करूँगा, मैं पाइसेस को अप्रोच नहीं करने वाला, मैं पाइसेस को अपनी फीलिंग्स नहीं बताने वाला। इस रिलेशनशिप को अगर किसी को आगे बढ़ाना है तो वो पाइसेस की जिम्मेदारी है। पाइसेस को अपने प्यार को जाहिर करना चाहिए, पाइसेस को इनिशिएटिव लेना चाहिए अपनी तरफ से, पाइसेस को ही सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो ये वो पर्सन है जो ये फील करता है जैसे कि वो बहुत डिज़ायरेबल हैं, और अगर किसी को अप्रोच करना ही है किसी को तो वो आप ही हैं। दरअसल इस एम्परर को लगा नहीं था कि वो किसी को इतना कभी प्यार कर सकते हैं या किसी से इतना अट्रैक्ट हो सकते हैं। इस एम्परर को पहली बार ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वही आपको अप्रोच कर बैठेंगे। लाइक अगर वो अपने आप को मना भी करते हैं, रोकते हैं, तो भी ये वर्क नहीं करने वाला। अल्टीमेटली इन द एंड वो आपको अप्रोच करेंगे ही करेंगे। और इस पर्सन को ये उम्मीद है कि काश उन्हें ऐसा ना करना पड़े ताकि उनका किसी तरीके का रिकॉर्ड बचा रहे कि उन्होंने अपने ईगो को हमेशा प्रायोरिटी दी और कभी किसी को अप्रोच नहीं किया। या मे बी बाद में उनके पास कुछ कहने को रहेगा अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन आता है तो, कि पाइसेस आप ही तो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते थे, मुझे तो हमेशा से लगता था कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा या हमारे लिए परफेक्ट नहीं है। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, डरता है प्यार को फेस करने से या प्यार को जीने से। इन्हें लगता है कि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो अकेले रह जाएंगे अगर पाइसेस ने उन्हें प्यार नहीं किया तो। पाइसेस अगर उन्हें अकेला छोड़ देंगे तो फिर वो और कुछ नहीं कर पाएंगे, मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, या फिर खुद को डिप्रेशन से नहीं निकाल पाएंगे। तो फोर ऑफ सर्व्स के साथ पाइसेस, ये पर्सन आपको लेके बहुत पॉजिटिव है। आप देखेंगे कि द एम्परर अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव ले नहीं रहा, कुछ बदल नहीं रहा, कोई अटेम्प्ट करने की इनकी इच्छा भी नहीं नजर आ रही, कोई इरादा भी नहीं लग रहा, कोई सीरियस चेंज आ नहीं रहा। बट जब भी आप किसी के क्लोज जाएंगे या किसी का अटेंशन आपको मिलेगा, ये पर्सन तुरंत इंटरप्ट करने की कोशिश करेगा या कोशिश करेगा कि वो आपको मैनिपुलेट करें कि आप उस पर्सन पे ध्यान ना दें, या कोई और तरीका ढूंढेगा ताकि आप उस पर्सन से दूर हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ होते हुए देख रही हूँ, एंड इस पर्सन को लगता है जैसे कि उन्हें बस एक काम करना है, आपको दूसरों से दूर रखना है, और धीरे धीरे करके आप ऑब्वियसली उनसे इतना प्यार करने लगेंगे, इतनी फीलिंग्स आपके मन के अंदर डेवलप हो जाएंगी कि आप खुद ब खुद उन्हें अप्रोच करेंगे और खुद ब खुद सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे।
सेवन ऑफ सेप्टर्स के साथ ये पर्सन चाहता है कि कुछ बदले. ओके, ये पर्सन वैसे भी बहुत बेचैन है, इनके अंदर का सब कॉन्शियस इन्हें नेक्स्ट स्टेप लेने पे मजबूर कर रहा है. ये पर्सन जितना ज्यादा अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहा है, उतनी ही स्ट्रांग इनकी फीलिंग्स होती जा रही है. इनफैक्ट इस पर्सन को लगता है जैसे कि वो अब आपके बिना अपने फ्यूचर को इमेजिन ही नहीं कर पाते. जब भी वो कभी कमिटमेंट, शादी या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो उनकी आंखों के सामने आप ही का चेहरा होता है. और अगर उनसे कोई ये सवाल पूछे कि क्या वो आपको रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसका जवाब उन्हें ऑब्वियसली नो ही मिलेगा. ऑल्सो थ्री ऑफ सेप्टर्स है. थ्री ऑफ सेप्टर्स का मतलब है कि उस पर्सन को लगता है कि आप दोनों ऑलरेडी बहुत क्लोज आ चुके हैं. ओके, इवन इफ अगर किसी ने भी इनिशिएटिव नहीं लिया है, कन्वर्जेशन स्टार्ट नहीं हुई है, किसी तरीके का एफर्ट नहीं हो रहा, तो भी इस पर्सन को लगता है जैसे आप दोनों बहुत क्लोज आ चुके हैं. आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को ज्वाइन कर चुके हैं इस जर्नी पर. ये जर्नी आसान नहीं है, बट ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है. तो इस पर्सन को उम्मीदें तो काफ़ी है. ओके, इस पर्सन के ड्रीम्स भी बहुत सारे हैं और उन्हें लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी रीजन से ही हो रहा है. हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. ऑफकोर्स एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए. पाइसेस, द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ स्कल्स, द सन, फाइव ऑफ स्कल्स एंड टू ऑफ स्कल्स. ओके, तो हमारे पास है द सन. द सन के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन ऑब्वियसली बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, या पैशन है, फायर है. सो फिजिकल इंटीमेसी भी इनके इमेजिनेशन में है. ओके, ये पर्सन फैंटेसाइज कर रहा है फिजिकली आपके क्लोज होना, आपके आर्म्स में आना, लाइक आपके क्लोज आना. इस पर्सन का डेस्परेशन भी बन गया है ड्रीम के साथ साथ. एंड फाइव ऑफ स्कल्स के साथ लगता है पाइसेस कि ये पर्सन आपको किसी ऑप्शन की तरह भी ट्रीट कर रहा है. आपको ऐसा महसूस करवा रहा है जैसे आप उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है. कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई तीसरा पर्सन जो इन्हें गाइड कर रहा है, इन्हें एडवाइसेस दे रहा है, और आपका पर्सन उन एडवाइसेस को सुन रहा है या उन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गया है. तो ये फाइव ऑफ स्कल्स वाली सिचुएशन आपके लिए बहुत पेनफुल हो सकती है. ये पर्सन एक तरफ तो आपके क्लोज आना चाहता है, दूसरी तरफ फीलिंग्स को मानना नहीं चाहता, और तीसरा प्रॉब्लम ये भी है कि ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि वो एक ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट कर सकते हैं. ये पर्सन ऑलरेडी आपको कई बार हर्ट कर चुका हो सकता है. एंड सिक्स ऑफ स्कल्स के साथ इस पर्सन को जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी, आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी या किसी तरीके का एडवांटेज चाहिए होगा, ये पर्सन बिना हेजिटेट किए आपके क्लोज आ जाएगा. आपको स्पेशल फील कराएगा एंड चाहेगा कि आप खुद ब खुद सारी फीलिंग जाहिर कर दे, उन्हें अटेंशन दे, लाइक आप ही इंटरेस्टेड हो इस रिलेशनशिप में. बट देन जैसे ही इन्हें लगेगा कि इन्हें अब वो वैलिडेशन मिल गया है, तो इन्हें लगेगा कि इनका काम अब हो गया, तो इन्हें और ज्यादा अपने दिमाग पे बोझ डालने की जरूरत नहीं या एफर्ट करने की जरूरत नहीं. तो ये पर्सन आपको इग्नोर्ड भी महसूस करा सकता है. आप जिससे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन काफी टॉक्सिक हो सकता है. द वर्ल्ड के कार्ड को देखिए जरा, ये वुमन इस स्नेक के पॉइजन को एक्सेप्ट कर रही है. तो बहुत सारी नेगेटिविटी इनके अंदर है, टॉक्सिसिटी इनके अंदर है जिससे वो रिमूव नहीं कर पा रहे. टू ऑफ स्कल्स के साथ ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि कुछ भी ठीक नहीं है, बैरियर्स हैं आप दोनों के बीच. और ये पर्सन जानता है कि ये इतना आसान नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम अभी ये पर्सन यही चाहेगा कि वो अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखे और आप उनसे अपनी फीलिंग्स जाहिर करें. चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. मदर मैरी, लव एंड पीस.
Let go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at this time. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि क्या सही है क्या गलत है उस पे आपको ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं, अपने पीस को खोने की जरूरत नहीं, अपने मन की शांति को खोने की जरूरत नहीं, बस अपने हीलिंग पे ध्यान दीजिए और बाकी सब कुछ अपनी जगह पे आ जाएगा। आपको कुछ भी करेक्ट करने की जरूरत नहीं, आप कुछ भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं। ओके पाइसेस, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए जुलाई के मंथ में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. Till next video. Bye.